Hello student, this is Kausal Sharma and welcome to English Point. And we are going to start with to add on. Four plays. Okay. तो कल जो प्लेस के लिए बता दिए थे कुछ है ना चलो प्लेस के लिए कौन कौन से हो गए थे कल इन एट ऑन हो गए थे ना चलो इन एट ऑन जो यूज अभी और थोड़े से देखते हैं यहाँ पर जैसे कुछ हमारी वर्ब होती हैं वर्ब ऑफ मूवमेंट वर्ब ऑफ मूवमेंट जानते हो क्या होती हैं नहीं पता ऐसी वर्ब जिनमें से एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर पहुंच जाएं जैसे वो किसी सेंटेंस में लगाएंगे तो क्या एक स्थान पर रहेंगे नहीं रहेंगे यदि कम लगाएंगे तो क्या एक ही स्थान पर रहेंगे वॉक लगाएंगे तो एक ही स्थान पर रहेंगे नहीं रहेंगे यानी कि आपकी जो वर्ब ऑफ मूवमेंट है गो कम रन वॉक ठीक है इसके बाद जब भी आपका लिखा हो क्या प्लेस तो आप सामान्यतः कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं टू लगाते हैं गो टू स्कूल अब इसके बाद हम देखें जैसे सेंटेंस लिखा है वी आर गोइंग टू मुंबई इस सेंटेंस में रूट के बाद टू प्रपोजिशन का ही प्रयोग क्यों किया गया सोचो नहीं प्लेस तो है प्लेस से पहले तो एड भी आता है ऑन भी आ जाता है पिछली क्लासेस में बताया था ना कि प्लेस के लिए ऐड भी आता है ऑन भी आता है लेकिन यहाँ पर मुंबई से पहले टू क्यों आया मुंबई से पहले टू नहीं आया ये जो वर्ब है गो ये वर्ब ऑफ मूवमेंट है जो जितनी भी वर्ब ऑफ मूवमेंट होती है और उसके बाद कोई स्थान होता है तो टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है स्थान होना चाहिए वर्ब ऑफ मूवमेंट के बाद जैसे हम कहें ही वॉक्ड डैश स्कूल अब कोई व्यक्ति वॉकिंग करेगा टहलेगा तो वो एक ही स्थान पर रहेगा या मूवमेंट होगा उसमें और कहाँ पहुँच जाएगा स्कूल पहुँच जाएगा तो प्रपोजिशन कौन सा लगाएंगे टू लगाएंगे इसमें इस तरह से यानी जितनी भी वर्ब ऑफ मूवमेंट होती हैं उनके बाद यदि प्लेस आता है तो आपको क्या यूज करना है टू का प्रयोग करना है लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जैसे आप तीन पॉइंट याद कर लो बी वर्ब स्टे बी मतलब क्या होता है इज आर एम बाज वर्ब बी वर्ब होती है स्टे मीन्स ठहरना एंड डू समथिंग कोई काम करना कहाँ पर किसी स्थान पर इसके पहले एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है ध्यान से देखो जैसे हम दो तीन दिन पहले बताया था वह स्कूल में है अब हिंदी में तो मैं आ गया लेकिन सेंटेंस कैसे बनाएंगे आई एम एट स्कूल यही तो बोलेंगे इन स्कूल तो नहीं बोलेंगे तो यहाँ पर आप याद रखो बी जब सेंटेंस में बी वर्ब हो और उसके बाद लिखा हो प्लेस तो प्रपोजिशन कौन सा लगाएंगे यहाँ पर देखो कौन सी वर्ब है बी वर्ब है क्या इसमें वर्ब ऑफ मूवमेंट है उसके बाद स्थान आएगा तो क्या लगाएंगे टू लगाएंगे तो जैसे हम ये कहें आई एम एट होम अब हिंदी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मैं घर में हूँ या घर पर हूँ यही तो अर्थ होगा अब हिंदी में तुमने मैं घर में हूँ ऐसे बोल दिया किसी से फ़ोन पर तो वो क्या रहेगा इन होम लगाएगा एट होम लगाएगा हिंदी में कुछ भी आता रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे याद करो बी एट होम होता है स्टे की बात करें जैसे वी आर स्टेइंग डैश ओ होटल अब यहाँ पर ऑप्शन मिले प्रपोजिशन भरने के लिए तो हिंदी निकाल हो गया तो मैं शब्द आ जाएगा इसमें सोचो मैं होटल में ठहरा हूँ मैं एक होटल में ठहरा हूँ यही तो हो रहा अब हिंदी में क्या आ गया मैं और ऑप्शन में इन भी लिखा हो रहा तुम क्या लगा दोगे इन हो जाएगा गलत हो रहा तो ऐसे याद करो स्टे एट ए प्लेस होता है स्टे के बाद कोई स्थान लिखा होगा तो प्रपोजिशन कौन सा आएगा चाहे वो होटल हो चाहे आपके फ्रेंड का घर हो या किसी दूसरी जगह पर हो स्थान होना चाहिए उसके बाद आपको यूज करना होगा प्रपोजिशन एट ये पॉइंट याद करने पड़ते हैं जैसे आप कहूँ मैं घर पर काम कर रहा हूँ मैं घर पर इसमें बी वर्ब नहीं आएगी देखो आई एम डूइंग सम वर्क डैश
होम, कौन सी वर्ब है? डू वर्ब, मैन वर्ब। अब तुम सोचो जो बी वर्ब होना चाहिए तभी एट आएगा। तो डू समथिंग, चाहे आप घर पे खाना बनाओ, चाहे कपड़े धो रहे हो या लिख रहे हो, और उसके बाद आता है स्थान। डू सम, ये डू समथिंग का मतलब क्या है? कोई भी वर्ब। डू समथिंग मतलब कोई भी वर्ब, और उसके बाद लिखा हो स्थान। तो प्रपोजिशन कौन सा यूज हो रहा? प्लेस से पहले। एट क्या यूज हो रहा? हिंदी में कुछ भी आता रहे। इतना क्लियर? लिख लो, ये इसकी फोटोकॉपी करा ली थी सबने, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, घर पर पढ़ लेना चाहो तो, ठीक है? और देख लेते हैं। चलो, सामान्यतः जब भी वर्ब ऑफ मूवमेंट आती है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। अभी बताया, यदि मैं कहूँगा घर जाता है हिंदी में, तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे? मैं, वह घर जाता है, ही गोज टू, ऐसे बोलेंगे, ही गोज टू, ठीक है? ऐसे ही बनेगा क्या? ये सेंटेंस सही है? सही है नहीं, ये गलत है। गलत क्यों है? जितनी भी वर्ब ऑफ मूवमेंट होती हैं, वर्ब ऑफ, जैसा भी का गो, रन, कम, गेट, रिटर्न, वाट, जितनी भी वर्ब हैं, उसके बाद यदि होम लगा हो, क्या लगा हो, कोई भी प्रपोजिशन प्रयोग नहीं किया जाता। अभी बताते क्यों नहीं होता। गो होम, कम होम, रन होम, रिटर्न होम, वर्क होम, ठीक है ना, गेट होम, क्या कभी इन होम से पहले टू प्रपोजिशन लगा देखा है इनमें सेंटेंस में? कभी सोचो, कभी तुमने पढ़ा हो दे गो होम बोलेंगे या दे गो टू होम बोलेंगे? गो होम हो रहा कि गो टू होम हो रहा? और ऐसे कहें गो टू हाउस होता है, गो टू हाउस होता है, कम टू हाउस हो रहा, रिटर्न, गेट, ये सब इसी तरह से यूज हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे ना। अब देख, अब यूज क्यों नहीं किया जाता वो सोचो, इनसे पहले टू प्रपोजिशन क्यों नहीं यूज किया जाएगा मालूम है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये इडियोमेटिक वर्ब हैं, इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं। क्या है ये सब? इडियोमेटिक फ्रेजेस। प्रपोजिशन किस लिए प्रयोग करते हैं मालूम है? डेफिनेशन नहीं बताई पहले, दो या दो से ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशन बताने के लिए प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध बोधक। रिलेशन बताता है किसके बीच? किसी दो नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन। जैसे तुम कमरे में हो, यू आर इन इन दिस रूम, तो जो इन लगा है वो रिलेशन बता रहा है तुम्हारा और इस कमरे का, वही तो प्रपोजिशन है। अब यहाँ पर जो होम होता है ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे हियर, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, वैसे होम भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशन बताने के लिए, ना कि एडवर्ब को जोड़ने के लिए। एडवर्ब को जोड़ने के लिए प्रपोजिशन यूज नहीं होते, किसके लिए होते हैं? तो जब ये होम नाउन है ही नहीं तो फिर आएगा क्यों? गो के बाद हमने क्या कहा? प्लेस आना चाहिए, और प्लेस क्या होता है? नाउन। नाउन की डेफिनेशन पर्सन, प्लेस और थिंग। अब प्लेस तो ये है ही नहीं, क्यों? प्लेस होता तो ये नाउन नहीं हो जाता फिर, प्लेस होता तो ये नाउन होता, और ये नाउन नहीं है, ये क्या है? एडवर्ब है। हाउस नाउन है, हाउस क्या है? नाउन है। इससे पहले इसीलिए टू आता है। गो टू हाउस हो रहा लेकिन ड्रॉ होम हो रहा, क्रम टू हाउस हो रहा लेकिन क्रम होम हो रहा, गेट टू हाउस हो रहा लेकिन गेट होम हो रहा। इस तरह से याद कर लो कि होम से पहले वर्ब ऑफ मोशन लगी हो, मूवमेंट वाली बार वर्ब ऑफ मूवमेंट, तो बीच में आपको टू प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन हो भी जाएगा जब हम हाउस होम को बना लें नाउन, क्या बना लें? या सेंटेंस लिखें दे गो होम, सही लिखा है, दे गो टू होम, गो टू हाउस, दे गो टू देयर हाउस,
हो जाएगा। क्या ऐसे कह सकते हैं दे गो टू देयर होम? बताओ लास्ट वाला सही है, दे गो टू देयर होम, ये सही है? सोचो कैसे नहीं तुम सोचो। अच्छा ये क्या होम है ना, हाँ तो यहाँ पे देखो टू लग रहा है, क्या ये सेंटेंस सही है? हैं नहीं, आपको मालूम है ये क्या है? देयर क्या है? पजेसिव केस, पजेसिव प्रोनाउन है ना, दे का पजेसिव देयर होता है, प्रोनाउन है। आपको मालूम है जितने भी ये पजेसिव केस होते हैं, हिज माई आवर योर देयर हर इट्स, इन सब के बाद हमेशा नाउन ही आते हैं। क्या आते हैं? नहीं तो सेंटेंस में यूज ही नहीं हो रहे। ऐसे कह सकते हैं दिस इज माई बुक, क्या ऐसे बोलते हैं? दिस इज माई, ऐसे बोलते हैं? ही इज माई ब्रदर, कैसे कहते हैं? ही इज माई, माई के बाद क्या आया? नाउ। तो देयर पजेसिव केस है, और जितने भी पजेसिव केस प्रोनाउन के होते हैं पजेसिव केस, उनके बाद हमेशा क्या आता है? तो यहाँ पर होम क्या है? नाउन है, तो क्या आएगा? और यहाँ पर नहीं है, अंडरलाइन करके ये पूछ लिया जाए कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब है। और गो होम पूरी इडियोमेटिक फ्रेज है, ठीक है? ऐसे याद रखना है, क्लियर है इतना? ये भी हो रहा है उसमें, पढ़ लिया था कि नहीं? जो नोट्स कर लिए थे उसमें मिल गया था, देख लो लिखा होगा, हो गया? तो इसमें दिया है ना होम वाले सेक्शन में बी में क्या दिया है? गो फ्रॉम व्हाट एटसेट्रा प्लस होम विदाउट टू, यानी बिना टू के प्रयोग करना है। होम से पहले यहाँ पर टू नहीं आएगा। इधर देखो बी वर्ब आ जाए, स्टे वर्ब आ जाए, या डू समथिंग, कोई भी काम आप घर पर कर रहे हो या किसी स्थान पर कर रहे हो, तो उस स्थान से पहले क्या लगाना? एट। हिंदी में कुछ भी अर्थ निकलता रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अब आ जाते हैं अराइव और गेट पर, ठीक है? अराइव ये वही शब्द हो गया कि इन और एट का यूज प्रपोजिशन हिंदी में पढ़ा हो रहा अभी तक, तो उसमें यही बताया जाता है नॉर्मली कि इन का प्रयोग कहाँ करते हैं? बड़े स्थानों से पहले, और एट का प्रयोग छोटे स्थानों से पहले। तुम दो पॉइंट याद रखो, अराइव इन ए कंट्री होता है, क्या होता है? कंट्री। यदि अराइव इसके बाद क्या लिखा हो? कंट्री लिखी हो कोई भी वर्ल्ड की, तो कौन सा प्रपोजिशन आएगा हमेशा? इन, या फिर इन ए बिग सिटी, या बड़ा शहर हो, प्रपोजिशन क्या यूज किया जाएगा? इन। तो दो पॉइंट याद कर लो, अराइव इन ए कंट्री होता है, अराइव इन ए बिग सिटी होता है। अब अराइव से पहले कोई वर्ब हो, वर्ब ऑफ मूवमेंट वाली, तो कंट्री और बिग सिटी से पहले क्या आएगा प्रपोजिशन? इन। अब यहाँ पर एट भी आता है, एट अदर प्लेसेस, अराइव एट अदर प्लेसेस, मतलब आप गांव जाते हो, एट का यूज किया जाएगा। या एट ये मान लो कि हम किसी पर्टिकुलर स्थान को बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, यानी आपने एट बोला है, यदि मैं ये कहूँ कि आई लिव एट ग्वालियर, तो इसका मीन्स ये हुआ कि आपको पता है कि मैं ग्वालियर में कहाँ रहता हूँ। यदि तुम किसी से बात कर रहे हो और ये बताते हो स्थान से पहले एट लगाते हो, तो वो शो करता है डेफिनेट पॉइंट ऑफ प्लेस। एट गली का नाम है, हमेशा ऐट लगाते हैं, गली का नाम है ऐट लगाएंगे। अब जैसे तुमने कहा कि आई लिव एट हाउस इन कॉलोनी, ऐट लगाएंगे या इन लगाएंगे? हैं क्यों? नहीं वैसे भी स्मॉल प्लेस है, बताओ क्या स्ट्रीट्स हैं, और जितनी भी स्ट्रीट्स होती हैं उनसे पहले क्या यूज किया जाता है? ऐट प्रपोजिशन। सोचने ही नहीं, कई बार व्यापम की परीक्षा में आया है, कई बार व्यापम की परीक्षाओं में आया है ही लिव्स एट 77 मालवर स्ट्रीट, इस तरह से कई सारे सेंटेंस आए व्यापम में। तो और जहाँ पर हाउस नंबर भी दिया हो सेंटेंस में, क्या दिया हो? हाउस नंबर, तो डेफिनेटली एट का यूज ही किया जाएगा। स्ट्रीट का नाम हो तब भी एट का प्रयोग किया जाएगा। फिर ये याद कर लो, इनसे भी आ जाते, कंट्री का नाम आ जाता है कई बार,
या फिर बिग सिटी आ जाए, मुंबई की बात करें या मुंबई से पहले सोचो जी कि इन लगाएं या एट लगाएं। तो यहाँ पर देखें कि अराइव इन ए कंट्री होता है या टाउन होता है, ठीक है। अराइव एट हो गया, गेट के बाद भी टू आता है, और गेट होम अराइव होम नो प्रपोजिशन, ये भी ध्यान रख। गेट होम लिखा था उसमें होम वाले में, गेट होम और अराइव होम, अराइव के बाद भी होम आएगा तो भी टू प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। चलो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन, फ्रॉम टाइम में काफ़ी प्रपोजिशन हो जाएगी। ये भी आपके यहाँ पर कई सारे प्रपोजिशन हैं, जैसे मान लो ये आपका कोई प्लेस है, ठीक है, कोई भी वर्ब हो और उस वर्ब से आप किसी स्थान पर पहुँचे, कहाँ पर पहुँचे, किसी स्थान पर पहुँचे, तो प्रपोजिशन क्या लगाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, टू लगाएंगे। वर्ब ऑफ मूवमेंट में जब हम किसी स्थान पर पहुँचेंगे तो क्या लगाएंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक है। और जब किसी स्थान से हमारी दूरी हो, यानी तुम यहाँ से कहीं गए तो यहाँ से दूरी होती जा रही है, पहुँच रहे हो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ से तुम्हारी दूरी हो रही है, अभी थोड़ी देर बाद क्लास फिनिश होगी, यहाँ से जाओगे, तो कोई रास्ते मिले तुम, वो तुमसे पूछे कहाँ से आ रहे हो, कोचिंग से आ रहे, तो फ्रॉम कोचिंग लगाएंगे या फिर टू कोचिंग लगाएंगे, कोचिंग से क्या होती जा रही है, दूरी हो रही है, तो प्रपोजिशन क्या लगाएंगे। तो सेंटेंस पढ़ना है, हिंदी में नहीं मिलेंगे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में सेंटेंस, तो उसमें ये देखना है कि उस स्थान से हमारी दूरी हो रही है या फिर उस स्थान पर जा रहा है, उस स्थान पर आप पहुँचेंगे तो टू लगाएंगे, और यदि उससे दूरी होगी तो फ्रॉम लगाएंगे। जैसे अब हम कहें ही वेंट टू जयपुर, तो यहाँ पर टू क्यों आया, अब जयपुर पहुँच रहे हैं या फिर दूरी हो रही है जयपुर से, पहुँच रहे हैं ना, उस स्थान के पास पहुँच रहे हैं तो क्या लगाएंगे, टू। और ये हम कहें ही केम डैश इटली, अब तुम यहाँ ये नहीं सोचना कि ट्रम्प के बाद स्थान लिखा है टू लगा दें, सेंटेंस पढ़ के देखो उस स्थान से क्या हो रही है, डिस्टेंस दूरी हो रही है, और जब दूरी हो रही है तो टू लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, ऐसे ही है, ठीक है। और देखें दूसरा, किसी भी चीज में जब कोई चीज ऊपर से प्रवेश करे, ट्रांसलेशन बहुत सारे पढ़े होंगे कि वह नदी में छलांग लगाता है, पढ़े थे, ही जम्पड इनटू द रिवर, ऐसे ही लगाया, इनटू ही क्यों लगाया, जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज मूवमेंट करती हुई जाती है अंदर, तो क्या यूज होता है, इनटू, या फिर सामने से, जैसे गेट ओपन हो और सामने से कोई आए तो प्रपोजिशन कौन सा लगाएंगे, किसी चीज में मूवमेंट में अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो प्रपोजिशन कौन सा आएगा, इनटू। अब इसके अपोजिट कर लो, जैसे किसी में से कोई चीज सीधी ऊपर जाए, जमीन से नहीं जा रही, जमीन से जाएगी तो अलग प्रपोजिशन यूज हो रहा, और ऐसे बाहर निकलो जे मूवमेंट में नहीं हो रहा ना, जैसे ये जैसे हम गए, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, पहले से ही है, आई एम पुटिंग दिस पेन इन टू माई पॉकेट, तो मूवमेंट में यूज करना इन टू, ठीक है। तो अब ये देखें, जैसे हम कहें ही जम्पड डैश द रिवर, प्रपोजिशन का प्रयोग करें, अब तो देख लो ये आपकी रिवर है, ठीक है, अब कोई छलांग लगाएगा तो क्या पानी के सरफेस पर रहेगा कि अंदर जाएगा, उसमें अंदर जाएगा ना मूवमेंट में, सरफेस पे तो रहेगा नहीं, सरफेस पे रहेगी कोई चीज तो अलग प्रपोजिशन यूज होगा, मतलब जितनी सिचुएशन बदलती जाएंगी ना उतने प्रपोजिशन बदलते जाएंगे, जब पानी के अंदर जाएंगे तो क्या यूज होगा, इनटू होगा, कमरे के अंदर जाएंगे तो इनटू, जैसे ही केम द रूम, दोनों सेंटेंस ध्यान से दे, मतलब ऑप्शन ना हो तब भी आ जाना चाहिए जिसमें भरना क्या है, प्रपोजिशन की स्टडी तो ऐसे ही होनी चाहिए, मतलब सेंटेंस देखो समझ में आ जाए, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं होती प्रपोजिशन में तो कभी भी, क्यों जो फिक्स होते हैं सेंटेंस पढ़ेगी सिचुएशन पता चल जाती है उसी एक्सपीरियड हम क्या लगाएंगे प्रपोजिशन यूज कर लेंगे, ये तो क्या हो जाएगा, ही जम्पड इन टू द रिवर, ही केम इन टू द रूम, ऐसे हो रहा जा, ठीक। अब हम कहें सी केम
द कार एंड गेट द होटल। अब देखो सेंटेंस, वह आई कहाँ से आई? कार से आई। कार से बाहर निकलेगी, क्या यूज हो रहा? आउट ऑफ। सी केम आउट ऑफ द कार एंड और गेट, हाँ आउट ऑफ पूरा है, आउट अकेला थोड़ी है, आउट ऑफ ठीक है, मतलब इनटू का जो अपोजिट हो रहा है क्या हो रहा? आउट ऑफ हो रहा है, ये ध्यान रहे, आउट नहीं हो रहा अकेला। सी केम आउट ऑफ द कार, वह कार से बाहर आई। एंड गेट, गेट मतलब गो, गेट मीन्स गो होता है। और कहाँ गई वो? सॉरी यहाँ पर गॉट हो रहा, गॉट इन टू द होटल। इन टू का यूज किया हुआ, सिचुएशन समझ में आ रहा है? किसी चीज में प्रवेश किया मूवमेंट में, तो प्रपोजिशन इन टू यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कोई चीज, हाँ? जैसे कोई चीज ऊपर से किसी चीज पे आए, किसी चीज पर नीचे से नहीं आ रही, ऊपर से ही, या नीचे नहीं लगी, चलो ठीक है, और या फिर इस तरह से आए, जैसे यहाँ पर दीवार पे सैफ लगी और वहाँ से खिताब गिरी, कैसे गिरेगी? ऐसे ही गिरेगी। तुमको बस में चढ़ना है तो नीचे से ऊपर पैर रखेंगे। अब इसका उल्टा कर लो, कौन से प्रपोजिशन यूज होंगे यहाँ पे बताओ? हैं, ये यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, कौन सा? हाँ यहाँ पर हो रहा ऑन, और इसे और नीचे लाना पड़ेगा, और इसमें हो रहा ओ डबल एफ वाला यूज हो रहा, ध्यान रहे। यहाँ से भी किसी चीज में दूरी होती है, उससे हम अलग होते हैं। बस से उतरेंगे तो गेट ऑन मीन्स क्या होता है? चढ़ना, और गेट ऑफ उतरना, यही तो हो रहा। तो वो सेंटेंस पढ़ के देखना है कि ऑन लगाना है या ऑफ लगाना है। जैसे हम कहें कि यहाँ पे जैसे कोई चीज है, कहें प्लीज पुट योर शूज द टेबल, टेक, सॉरी टेक यूज हो रहा, प्लीज टेक योर शूज द टेबल, क्या होगा? क्यों? टेक का मतलब क्या होता है? तो वहां से ले रहे हैं जो वहां रख रहे हैं। अब प्लीज टेक योर शूज, चार ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें भरने के लिए। अब तुम सोचो कौन सा लगाएं, हिंदी में तो कुछ निकलेगा नहीं उसका। अब क्या हुआ कि हमने यहां से कोई चीज उठाई, इसी सिचुएशन में उठेगी, तो क्या यूज हो रहा? यही तो हो रहा। जैसे कोई लड़का साइकिल चला रहा है और उस अपन को समझ में आ जाए उसका साइकिल डिसबैलेंस हो गई, अब वो गिरेगा तो कैसे गिरेगा? मतलब कैसे भी गिरेगा, बैठा ऊपर है, बैठा ऊपर है और ऐसे गिरेगा, मतलब ऐसे नहीं हो रहा नीचे ऐसे ही चला जाए, वैसे तो नहीं जाएगा, तो बगल से जाएगा, इधर जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। तो ये कंडीशन बनेगी, प्रपोजिशन कौन सा लगाएंगे फिर? ऑफ। आई एम गोइंग टू हैंग सम पिक्चर्स द वॉल। अब मान लो ये दीवार है तुम्हारी, ठीक है, और तुम यहाँ पे क्या लगाने वाले? कुछ पिक्चर्स, तो प्रपोजिशन कौन सा लगाएंगे? और वैसे भी क्या बताया था, ऑन द वॉल होता है, ऑन द सीलिंग होता है, ऑन द फ्लोर होता है, ऑन द, यही तो बताया था सब, तो इस तरह से भी याद कर लो। चलो और देख, जब सेंटेंस में ये सिचुएशन बने, प्रपोजिशन कौन सा लगाएं? मान लो ये कोई सीढ़ी हो, ऐसे ही तो जाएंगे। मान लो ये कोई पहाड़ी हो,
या कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बने, चाहे इतनी बने या थोड़े और कम में बन जाए डिग्री में, मतलब सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए ऊपर वाली, तो प्रपोजिशन कौन सा लगाएंगे आप? जैसे पहाड़ी पर बस जा रही हो ऊपर, अब पहाड़ी है तो नीचे भी हो सकती है और ऊपर भी चढ़ सकती है, अब नीचे जाएगी तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? डाउन, यही तो है। जैसे आई एम गोइंग टू क्लाइम द हिल, और चार ऑप्शन मिल जाए भरने को, है ना। अब जरूरी नहीं कि हिंदी ट्रांसलेशन करो तो ऊपर शब्द आ ही जाए, लेकिन सिचुएशन देखना है कि हिल कैसी होती है इस तरह से, और जब ऊपर जाएंगे हम तो प्रपोजिशन क्या यूज हो रहा, आपका यूज हो रहा। कोई बच्चा दौड़ रहा हो घर में, सीढ़ी के ऊपर हो, तुम क्या कहते हैं? बी केयरफुल, डोंट फॉल डाउन द स्टेयर्स, यही तो हो रहा। हाल की बात क्या लगा है? डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ी, तो यहाँ पर डाउन का यूज हो गया। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुआ, जमीन से कोई चीज ऑब्जेक्ट जाएगा नीचे, जमीन से सीधा ऊपर, तो क्या यूज करेंगे आप? क्या यूज करेंगे? और कोई चीज ऊपर से सीधी जमीन पे आएगी, किसी चीज में प्रवेश करेगी तो अलग प्रपोजिशन भी था थोड़ी देर पहले, कौन सा था? अंदर जाएगी, इन टू, वही तो हो रहा। और वहां पर जो ये वाला था कंडीशन, वो ऊपर से थी, नीचे से नहीं थी, जमीन से। गोली चलाई तुमने तो बैरल से क्या हो रहा? आउट ऑफ द गन ही तो हो रहा, फिर जमीन से चलती गोली तो वो आउट ऑफ हो रहा, लेकिन कोई चीज ऊपर से नीचे आई जमीन पे तो डाउन का यूज हो रहा। कंडीशन देखना सेंटेंस में, किस तरह की कंडीशन बन रही है, किस तरह सिचुएशन बन रही है, वो वैसे ही प्रपोजिशन डिफरेंट बदलते चले जाएंगे उसको। चलो और देखें, हाँ जैसे मान लो किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो, मान लो ये कोई विलेज है, पहाड़ है, उसके ऊपर प्लेन उड़ रहा हो, पक्षी उड़ रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो ऊपर हो, प्रपोजिशन क्या यूज करेंगे? ओवर करेंगे। मान लो ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में मान लो यहाँ पर कोई चीज बीच में ऑब्जेक्ट है, हम उसे बिना टच किए एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, जैसे फेंसिंग होती है, बाउंड्री है आपकी, आप कैसे जाओगे? जंप लगाएंगे, दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, ऐसे ही लगाते। जैसे ही जंप्ड डैश द वॉल एंड, यही कर देते, ही जंप्ड डैश द वॉल। अब उसने दीवार पर छलांग लगाई, अब दीवार पर छलांग लगाया गया तो एक तरफ से क्या हो रहा, वो दूसरी तरफ पहुंचेगा, प्रपोजिशन कौन सा यूज होगा फिर? ओवर, ओवर ही तो हो रहा। मतलब किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो जो बीच में हो, हिंड्रेंस रुकावट डाल रहा हो, और तुम एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचो जंप करके या किसी भी तरह से, तो प्रपोजिशन वहां पर क्या यूज होना चाहिए? ओवर होना चाहिए यूज, ओवर इस तरह से। जैसे कहें बर्ड्स आर फ्लाइंग क्या यूज करें? ओवर द माउंटेन्स हो रहा, ठीक। अब अंडर में देख लो, ओवर का पॉजिटिव क्या हो रहा? अंडर, क्या यूज करेंगे बताओ? अंडर द, हाँ, द रिवर इज फ्लोइंग, द रिवर इज फ्लोइंग डैश द ब्रिज। और ये कहें कि पुल नदी के ऊपर है तो ओवर हो जाएगा, टच तो नहीं कर रहे हैं रिवर को, इसी तरह से तो हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा मान लो, तो ओवर द ब्रिज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, यहाँ पे अंडर हो जाएगा।
अब बात करते हैं अंडर और बिलो, दो ऐसे प्रपोजिशन है जिनका मीनिंग होता है सेम, होता है अंडर मीन्स भी होता है नीचे, बिलो मीन्स भी होता है नीचे, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, मतलब कब हम बिलो का यूज करेंगे कब अंडर का प्रयोग करेंगे। तब अंडर का यूज तब करना है जब आपको कोई चीज देखने के लिए नीचे बॉडी में मूवमेंट हो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं ये कह सकता हूँ कि आप चेयर के नीचे कोई बिल्ली बैठी तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, यानी कि हमें देखने में बॉडी का मूवमेंट हुआ, बॉडी में क्या होगा मूवमेंट। अंडर ए ट्री होता है, अंडर ए ट्री, अब हो सकता है कि हमें नीचे देखने में बॉडी का मूवमेंट हो हिलने डुलने में, बिलो का यूज तब करना है, जैसे पेपर देखा है उसमें लिखा रहता है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली गिवन बिलो, क्या लिखा रहता है वहाँ पर बॉडी मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे देखते हो कहाँ लिखा रहा है, जहाँ पर हमारी जो आई है वो हल्की सी डाउन होनी है और हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि वो ऑब्जेक्ट वो नीचे है और उसके नीचे है, तो बिलो का यूज करना है। चाहे कंडीशन ऐसी बने, मतलब आप गए और आधा घूमे और अच्छा सीधे चले गए, चाहे कंडीशन ऐसी बने कि आपने पूरा राउंड कर लिया किसी चीज को, ठीक है, या फिर चाहे वैसा ये छोटा सा कोना ही क्यों ना आप मुड़े हो, प्रपोजिशन कौन सा यूज करना है, राउंड या अराउंड, ज्यादा डिफरेंस नहीं माइनर है, तो यूज क्या करेंगे हम, राउंड या अराउंड, यही तो हो रहा राउंड या अराउंड, ठीक। अब जैसे मान लो कि ये गांव है, कोई गांव में नई सड़क बनी तो कहाँ बनेगी, वो गांव के बाहर होते हुए, अब जैसे हाईवे ही मान लो, बहुत सारी सिटीज के हाईवे 20 सिटी में हो जाते हैं, फिर जब नए हाईवे बनाए जाते हैं तो जब 20 सिटी से बना दिए जाएंगे, ऐसे ही तो बनाए जाएंगे घुमा के, प्रपोजिशन क्या यूज करेंगे, राउंड का यूज ही तो करें। इसे देख के क्या समझ में आता है, बीच में से गए, लेकिन क्या आई प्रॉब्लम आएगी, जैसे मान लो सड़क खाली पड़ी हो तो हम क्या करते हैं अक्रॉस द रोड कर देते हैं, और सड़क पे भीड़ हो तो क्या करेंगे थ्रू द पीपल, कई बार जंगल के रास्ते आप अपने गांव जाएं तो यह सीधा रास्ता होगा, जिस स्थान से निकलने में आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे चोर आता है घर में, होता है तो कहाँ से आता है वो, दरवाजे से नहीं, विंडो से आ जाएगा, तो क्या कहते हैं अ थीप केम इनटू माय हाउस थ्रू ए विंडो, कहाँ से आया वो, तो विंडो से, विंडो से भी नॉर्मल आ जाएगा कि विंडो उसने बाहर से खोली और अंदर आ जाए, प्रॉब्लम आएगी, पक्षी है जैसे यहाँ पे छोटा सा रोशनदान बना हो और पक्षी उसमें से अंदर आए, क्या वो आने वाली जगह है, तो क्या कहते हैं थ्रू द विंडो थ्रू द होल, ऐसे ही तो बोलेंगे, तो जहाँ से अंदर प्रवेश करने में किसी में प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लो पुरानी सड़क है, अब पुरानी सड़क गाँव या सिटी में से कहाँ से होती हुई जाएगी, बीच में से जाएगी, क्या वो उस पर जो लोड निकलेंगे बड़े आराम से निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, प्रॉब्लम आएगी निकलने में, प्रपोजिशन क्या यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल देखें द ओल्ड रोड गोज द विलेज, और एक सेंटेंस लिख दिया हमने द न्यू रोड गोज डैश द विलेज, प्रपोजिशन बनना है, दोनों में अंतर है, हाँ तो प्रपोजिशन बदलेंगे कि नहीं, अब दोनों में लिखा था विलेज है, वर्ब सेम है, जब सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो लगेगा कि प्रपोजिशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो पुरानी सड़क है वो कहाँ से आएगी थ्रू द विलेज, और नई सड़क है वो कहाँ से आएगी राउंड द विलेज, हो गया कि नहीं, तो प्रपोजिशन चेंज थ्रू और राउंड, चाहे आप अपनी गर्दन आधी घुमा लो पूरी घुमा लो, गली के कोने से आप मुड़े
कहाँ से मोड़े, गली का कॉर्नर होता है, तो फिर कैसे निकलेंगे बताओ, वहाँ पर क्या यूज करेंगे? किसी ने पूछा कि बस स्टॉप कहाँ है, तुम क्या जाओगे, गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट राउंड द कॉर्नर, सीधे जाओ और आगे जा करके लेफ्ट मुड़ जाना कोने से, अब वहाँ पे लिखा आ गया डैश द कॉर्नर। चाहे आप थोड़ा सा ही क्यों ना मुड़े, इतना भी क्यों ना मुड़े, या पूरा मुड़ लें इतना, प्रपोजिशन तो वही यूज होना है, राउंड या अराउंड। कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्लेस है, उसके बगल से आप निकल गए चुपचाप, स्टॉप नहीं हुए वहाँ पर, तुमने किसी से पैसा उधार लिया और तुम जिससे लिया है वो रास्ते में खड़ा है, तुम उसके पास रुकोगे? नहीं रुकेंगे, क्या करेंगे, सीधे चुपचाप निकल जाओगे, यही तो कहोगे। मान लो आप मंदिर है, चर्च है, उसके बगल से आप निकल गए, क्या यूज करेंगे? पास्ट, पास्ट का यूज होता है। कंडीशन कौन सा यूज किया? पास्ट, पास्ट का मतलब ये टेंस वाला पास्ट नहीं है, पास्ट भी प्रपोजिशन होता है, PAST, पास्ट, ठीक है। और जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो यहाँ कौन सा प्रपोजिशन आएगा? टू, किसी स्थान पे पहुंच रहे हैं तो कौन सा प्रपोजिशन लगाना है? टू, भी तो यूज करेंगे, तो इस तरह से यूज करना है।